साल 2014 में सत्ता से बाहर होने के बाद से ही कांग्रेस की माली हालत भी खराब हो गई। इन दिनों तो उसकी हालत और खस्ता नजर आ रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह पार्टी को मिलने वाले चंदे में भारी कमी आना है। आलम यह है कि कांग्रेस को आम आदमी पार्टी और शिवसेना सरीखे सियासी दलों से भी कम चंदा मिल रहा है। इन सब के बीच कांग्रेस को साल 2019-20 में मिले चंदे का ब्यौरा सामने आया है। कांग्रेस को साल 2019 और 20 में करीब 139 करोड़ रुपए से अधिक का चंदा मिला था। निर्वाचन आयोग ने 2019 और 20 में कांग्रेस को मिले चंदे से जुड़ी एक रिपोर्ट को सार्वजनिक किया है। रिपोर्ट के मुताबिक ITC और इससे जुड़ी कंपनियों ने 19 करोड़ रुपए से अधिक राशि चंदे में दी, जबकि प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट ने 31 करोड़ रुपए का चंदा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच पूर्व PM मनमोहन सिंह ने 1,08,000 रुपए, जबकि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 54,000 और पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 50,000 रुपए का चंदा दिया था। लेकिन इस मामले में कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने बाजी मार ली। सिब्बल ने साल 2019-2020 के बीच पार्टी कोष में सबसे अधिक 3 करोड़ रुपए का योगदान दिया। इसके अलावा आनंद शर्मा, शशि थरूर और गुलाम नबी आजाद ने 54,000 रुपए, मिलिंद देवड़ा ने 1,00,000 रुपए और राज बब्बर ने 1,08,000 रुपए दान दिए। रिपोर्ट की माने तो कांग्रेस को 20,000 रुपए से अधिक दान की कुल प्राप्त राशि 139,01,62,000 रुपए है। इसके साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व केंद्रीय मंत्री AK एंटनी, कुमारी शैलजा और अहमद पटेल ने भी पार्टी को दान दिया था। दिलचस्प बात यह है कि पिछले साल मार्च में कांग्रेस छोड़कर BJP में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी वित्त वर्ष 2019-20 में पार्टी को 54,000 रुपए दान दिए थे। दान से संबंधित दस्तावेज कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग को पिछले साल दिसंबर में सौंपा था और इस पर पार्टी के अंतरिम कोषाध्यक्ष पवन बंसल के हस्ताक्षर हैं। आपको बता दें कि संबंधित कानूनों के प्रावधानों के तहत राजनीतिक दलों को लोगों, कंपनियों, इलेक्टोरल ट्रस्ट और संगठनों की ओर से मिले 20,000 रुपए से अधिक चंदे की जानकारी देनी होती है। रिपोर्ट।